फागुन एकादशी का मेला शुरू हो गया है, इसलिए करनाल, पानीपत और दिल्ली से श्याम प्रेमी चुलकाना धाम की पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। मंगलवार को करनाल के घरोंडा से सैकड़ों की तादाद में श्याम प्रेमी 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा में हाथ में ध्वजा लेकर शाम को समालखा के चुलकाना धाम पहुंचे। तीसरी निशान यात्रा घरोंडा से चुलकाना धाम के लिए दो बार पहले भी आ चुकी है, आज तीसरी बार हम ये निशान यात्रा लेकर के जा रहे हैं और सभी श्याम प्रेमियों से ये प्रार्थना करते हैं कि हर वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है इस निशान यात्रा के साथ सभी प्रेमी जुड़ें। कलयुग में जो है बाबा श्याम जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपना श्याम नाम दिया तो साथ में ये भी कहा था कि कलयुग में विशेष नाम श्याम नाम से विशेष रूप से आपकी पूजा होगी, और जैसे जैसे कलयुग आता जा रहा है बाबा का प्रचार और बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि महाभारत की लड़ाई में अपनी माया दिखाने के लिए बबरीक से भगवान श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा था, तो बबरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। तब श्री कृष्ण ने बबरीक को वरदान दिया था कि कलयुग में लोग तुम्हें श्याम के रूप में पूजेंगे, जो हर तरफ से हारा हुआ होगा तुम उसका सहारा बनोगे, इसीलिए हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा का जयकारा चारों तरफ सुनाई देता है। बाबा का शीश का दान कलयुग के लिए दिया गया है, क्योंकि कलयुग के अवतार के लिए बाबा, जब भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि अगर कोई भी जिंदगी से अपने जीवन से हार जाएगा तो आप उसका हारे हुए का सहारा बनोगे, इसलिए बाबा का शीश का दान दिया था। जब महाभारत काल में युद्ध चल रहा था कौरवों और पांडवों का, तो हमारे बरबरीक महाराज जब जंगलों में थे तो इनकी एक और तपस्या थी कि मैं हारे हुए के साथ लगूंगा, जो हारता हमें दिखेगा हम मैं उसके साथ लगूंगा। तो भगवान कृष्ण को पता लगा कि ये तो काम सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि कौरव उस टाइम हारने लग रहे थे कौरव, और अगर ये कौरवों की तरफ लग जाते तो विनाश हो जाता। तो हमारे कृष्ण भगवान जी ब्राह्मण के रूप में आए और हमारे श्याम बाबा जी से मिले उस वन में, तो उन्होंने उस हमारे भगवान से शीश का दान मांगा और उन्होंने तुरंत अपने शीश का दान दे दिया। तो ये शीश के दानी भी कहलाते हैं, एलावती के लाल भी कहलाते हैं, हारे का सहारा है। गौरतलब है कि देश में खाटू श्याम के दो मंदिर हैं, एक राजस्थान में और दूसरा पानीपत के समालखा से 4 किलोमीटर दूर चुलकाना धाम में। चुलकाना धाम की मान्यता अब दूर दूर तक फैल चुकी है। हम करुंडा से आए और चुलकाना धाम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, बस हमारी यही इच्छा, हमें बाबा के दर्शन हो जाए, बाबा मिल जाए। चुलकाना धाम के श्याम मंदिर में इस बार फागुन एकादशी का मेला 2 से 4 मार्च तक भरेगा। इस बार श्याम बाबा के दर्शन सामने से होंगे, जिसके लिए दोनों तरफ रेलिंग लगाई गई है। एक बार जाकर तो देखो, तकदीर ना बदल जाए तो कहना। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।